ले बे साढ़े 8 बजने वाले हैं और हम दोनों सासू बहू हो गए हैं शादी में जाने के लिए तैयार। आज जावा बे हमें सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में, हमारे गांव के पास के बाली के हैं और हमारे इनके पापा के साथ सर्विस करा कर दे, तो तब से दोस्ती है। आज उनके बेटे की सगाई है, कल शादी है बे, तो आज हम वहां जाने लग रहे हैं। आज जावांगे हमें जो मेरा धर्म भाई बन रहा है ना उसके साथ, क्योंकि सुमित कहीं बाहर गया हुआ है काम से। वो बोल रहा था आप लोग चलो, मैं सीधा उधर की उधर आ जाऊंगा, तो शायद वो उधर से आ जाओगा, हम इधर से चला। हाँ वे कविता ने क्या पहनना है, मैंने क्या पहनना है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। जो वे कविता ने सजा लिया है लहंगा, वही पिंक कलर वाला लहंगा पहन लिया कविता ने। वीडियो में थोड़ा सा लाइट आ रहा, कविता इससे थोड़ा सा डार्क कलर है। अच्छा लग रहा है, न्यू काम आऊंगे यही बोर के शादी शुदी हम पहन के। वो तो रोज तो कित पहरे जावे हैं ये देखो। चलो मैं मेरा सूट और दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है। ले मन्ने पहना है यो सूट, जूती बार है, जूती बार पहन लूंगी, सिंपल सा शोभर सा। दूसरी बार पहले आई हो तो आज मैंने। चलो अभी 8:30 बज गए हैं, खाया हमारी रोटी, आ जाओ आप सब भी हमारे साथ शादी में। लो बे पहुंच गए हैं हमें शादी में, हम 9:05 पे पहुंच गए थे वहां। वो तो गए थे हम लेट ही, क्योंकि सगाई का प्रोग्राम था 4 बजे का और फिर डिनर का था टाइम 6 बजे का, लेकिन हम पहुँचे 9 बजे। तो आधी दुनिया तो मेरे ख्याल में खा कर जाली थी वे जब हम पहुँचे, तो थोड़े से लेट हो गए, तो कुछ काम था इसलिए लेट हो गए। और सुमित तो पहुँचने भी नहीं पाया, कह रहा था ना कि मैं आप लोग चलो मैं आ जाऊँगा, लेकिन वे हम जब खा का आ लिए थे ना घर, 10 बजे पहुँचे होंगे शायद हम वापसी में, 10:15 बजे, तब यो आया वे। फिर कविता ने इसके लिए रोटी बनाई, बोला लेट हो गया, कहीं काम से गया हुआ था तो लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। और आज 8 तारीख को है इनके शादी, दिल्ली जाओगी वे बारात, बहुत पुराने फ्रेंड हैं ये हमारे। लो बे 10:30 बज गए हैं, ई भाई हमें शादी में तय, और एक और मिठाई का डब्बा आ गया है, लो खा लो सारे जने मिठाई। मिठाई खत्म नहीं होती मारी तो। आ जाइयो जिसको खानी हो, खोले भी ना है बे तो डब्बा, ताजे ताजे लड्डू हैं। कविता भी लाग रही कपड़े चेंज करन, लो बे खाना खा के आ गए हैं, फिर दूध पी के सो जाए वहां, मिलते हैं कल आप लोगों से। कविता की फेवरेट चीज आ गई है जलेबी। कविता तेरी फेवरेट चीज जलेबी, बड़ी खुश होकर खाया करा कविता। कविता की आ गई फेवरेट चीज। और यह क्लिप है भी आज शाम की, आज शाम ने जो हम काम शुरू करांगे वहां लाइट चालू कर रहे हैं, वहां फिर लाइट का काम करा कर रहे जो धर्म भाई बन रहा मेरा, तो ये लाइट चालू कर दी है वे आज कर दे माँ भी। होगी लाइट चालू। होगी लाइट चालू। हाँ अच्छा ये लाइट ले आए थे तम बड़ी बड़ी, ओ यो के बोल रे। अच्छा, हाँ ले भाई होगी चालू। बहुत बहुत बधाई हो। पूरा घर में सामान ही सामान हो रहा है, देखे अंदर वाले बेड पर दिखा के लिया हूं कितना सामान पड़ा, ये देखो।
ये कागज है, कागज है, कागज है, कागज के काम करने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आप लोगों को पता चल जाएगा, बस एक हफ्ते का इंतजार और, जल्दी ही बताने वाले हैं कि क्या स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों ने लगाया हो तो जरूर कमेंट करके बताइयो भी। किताब कापियाँ की दुकान को न्या कदे नहीं सोचते हो और कुछ है लो भी हिवरात ने कविता बनान लग रही है। पालक पनीर, पालक पनीर बनाओ है वे, पीस दिया पालक, पालक पनीर बनावे है और पुदीने की चटनी। अरे अरे तो ना दिखता कविता जी, तन के रखे है। अरे दिखा दे पालक के रूप। अच्छा गे रहना है के, ये वैसे ग्रेवी बना दी हो, मैं भी नहीं कहूँ। अरे अरे तो दिखता ही नहीं ये बना दी है वे पुदीने की चटनी। आज सुमित बरकन पुदीना ले ले का आया था, ये गेर दिया है कविता ने पालक। मैं भी नहीं कहा तो कल कविता ने किसे पालक बनाया मेरा नहीं, पालक ना गेरा था वे भी गेरा पीस के ना, पहले उबाल कर ने पीस के ने गेर दिया। लो बे यह क्लिप है 2-3 दिन पहले की, तो आप करो इब डांस की वीडियो को एंजॉय। मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। आज इतना छोटा सा ये व्लॉग देख लो, राम राम।